क्राइम रिपोर्टर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा सरोज। आइए नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। एमपी के पवई से विधायक प्रहलाद लोधी के मामले में आज बुधवार को हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। इसके बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। बताया जाता है कि पात्रा जिले के पवई विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रहलाद लोधी को एक मारपीट के मामले में भोपाल के स्पेशल कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। इसके बाद विधानसभा सचिवालय के प्रहलाद लोधी की विधायकी समाप्त कर दी गयी। पवई सीट से बर्खास्त विधायक प्रहलाद लोधी की अपील पर सुनवाई पूरी कर जस्टिस पीवीएस चौहान के सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया। प्रहलाद लोधी ने भोपाल स्पेशल कोर्ट के फैसले को अपील में चुनौती दी थी। उन्होंने 2 साल की सजा पर रोक लगाने की मांग की है। महाअधिवक्ता शशांक शेखर ने बताया कि पवई के पूर्व विधायक ने अपील के माध्यम विधायक की निष्कासित पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने इसके लिए नवजोत सिंह सिद्धू के एक मामले का हवाला भी दिया था। हालांकि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है कि पवई विधानसभा विधायक प्रहलाद लोधी ने अपील करते हुए कहा कि वे निर्दोष है। प्रकरण के अनुसार सतना जिले की तहसील रेपुरा में पदस्थित तहसीलदार आर के वर्मा ने 28 अगस्त 2014 को सिमरिया थाने में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने में खड़ा कर दिया था। भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी सहित 12 लोगों ने वापस लौटते समय मंडवा गांव के पास बीच रोड पर तहसीलदार वर्मा की जीप रोककर उनके साथ मारपीट और गालियां दी थी। उनकी अपील थी, अपील के साथ उनकी एक एप्लीकेशन लगी थी कन्विक्शन को स्टे करने की। अपील पे तो सुनवाई नहीं हुई, कन्विक्शन को स्टे करने की एप्लीकेशन पे सुनवाई हुई। क्योंकि सजा पे स्टे की इसके लिए कोई बात नहीं थी कि वो पहले ही लोअर कोर्ट से दिया जा चुका था, वो एज ए मैटर ऑफ राइट उनका मिलता भी है। आज उनने कुछ पढ़ने के बाद, कुछ समझने के बाद ये कहा उनने कि हम MLA हैं इसलिए हमको हमारा कन्विक्शन स्टे किया जाए, क्योंकि अगर कल अपील हमारी अलाउ हो जाती है तो हमारी MLAship चली जाएगी। उन्हें नवजोत सिंह सिद्धू वाला केस भी उन्हें बताया, लेकिन बात यह है कि कोई परिस्थिति, उनको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस दिखाना था। ये दिखाना था कि उनका केस रेयर कैसे है। यहाँ इनका केस ये था कि एक तहसीलदार महोदय ने रेत का भरी हुई एक ट्रॉली पकड़ी, ले जाके थाने में रखी, केस बनाया। जब वे लौट रहे थे तो इनने रास्ता रोका, कंक्रीट मशीन आड़ी रख के फिर उनको मारा पीटा। हमने यही बताया कि जब पिछले साल तहसीलदार महोदय के बयान हुए थे तो उनने कहा था कि मेरे साथ ये सब घटना हुई है। अब जब ये विधायक बन गए, उसके बाद जितने बयान हुए हैं उनमें लोगों ने ये तो माना कि घटना हुई है, बाकी सब चीज़ों से इनकार कर दिया। तो ये भी एक परिस्थिति बताती है कि जनप्रतिनिधि होते हुए ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए और समाज पर इसका अच्छा असर नहीं पड़ता। अब इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने केस सुन के रख लिया है, जो कुछ भी उनकी तरफ से आएगा वही निर्णय सबके लिए मान्य। जबलपुर से कदीर खान की एक रिपोर्ट।